मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर पहले आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। ये घटना इतनी ज्यादा डरावनी है कि आप लोग सुनकर पूरी तरीके से स्तब्ध रह जाओगे, आपका इंसानियत के ऊपर से यकीन उठ जाएगा। अरे कोई पति कितना भी पागल होगा, लेकिन वो क्या ऐसा अपनी ही बीवी के साथ कर सकता है? यहां मैं बता दूं कि पूरी की पूरी वारदात, पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई है कि एक अनएम्प्लॉयड पति ने, आदमी ने अपनी ही बीवी को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि बीवी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिए थे। और इसका क्रिमिनल माइंड देखिए, पहले ये अपनी बीवी को मारता है, फिर बाहर जाकर एक सूटकेस खरीद कर लाता है और उसी सूटकेस में अपनी बीवी की बॉडी को डालकर बाहर ले जाकर कहीं झाड़ियों में जाकर डंप करके आता है, उसकी लाश को पूरी तरीके से जला देता है। इसकी पत्नी जो कि विक्टिम है, उसका नाम भुवनेश्वरी बताया गया है और भुवनेश्वरी हैदराबाद की ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी। आप सोचो, पति ने अपनी बीवी को इसीलिए इतना ब्रूटली मर्डर कर दिया क्योंकि पत्नी ने अपने पति को डेली एक्सपेंस के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है कि द हॉरिफिक इंसिडेंट वॉज कॉट ऑन सीसीटीवी कैमरा। द वीडियो फुटेज शोज द हस्बैंड कैरिंग अ रेड सूटकेस रिपोर्टेडली विथ हिज वाइफ्स बॉडी एंड एंटरिंग द अपार्टमेंट। सम टाइम लेटर द एक्यूज्ड एग्जिटेड द अपार्टमेंट विद द सेम सूटकेस। अब इस पूरे मामले में पुलिस का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें पुलिस द्वारा बताया गया कि उनके पास एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी भुवनेश्वरी को लेकर, जो कि हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी। इनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट से काफी दूर ले जाकर एक जनरल हॉस्पिटल के पास झाड़ियों में सूटकेस के अंदर बंद मिली थी। पुलिस ने बताया, मंगलवार के दिन यानी ट्यूजडे, कल के ही दिन, उन्हें एक जली हुई बॉडी की सूचना मिलने पर वे तुरंत ही क्राइम स्पॉट पर जा पहुंचे और पुलिस ने पाया कि बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, बस कुछ हड्डियां और स्कल ही बचा हुआ था। जिसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ी और पता लगा कि ये भुवनेश्वरी की बॉडी है। और उसी के बाद इस पति के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस क्राइम के बारे में सारा कुछ पता चल पाया है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग खबर जो आज आंध्र प्रदेश से निकलकर बाहर आई है। ऐसी अमानवीय घटना को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपने विचार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।